60 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है, जहाँ पर इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है। वहाँ हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था,